बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 50 एपिसोड नंबर वन शो ऑन रूट, क्या कहना चाहोगे? आप पहुंचती जा रही है, चाहे रक्षाबंधन हो, पिशाचनी हो, क्या कहना चाहोगे? हर शो को नंबर वन, यू आर द टीआरपी मास्टर. It's such a great thing that you told me today. It's such a beautiful feeling. Yes, of late my shows are being number one on some of the other platform. That's great. That makes me a superhero. and I'm playing a superhero. I have magic and I have powers. फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहा है, मतलब मम्मी देखती होगी, क्या कहना चाहोगे? मम्मी तो पहले थोड़ी सी इतनी सपोर्टिव नहीं थी पिशाचनी को लेके, क्योंकि रक्षाबंधन में मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया था और पिशाचनी में भी ऐसे कुछ भी करना है, शी डजंट लाइक दोज़ जॉनर्स, बट नाउ शी इज लविंग मी. शी इज लाइक, यू नो, कितनी सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम है, शो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है. बिग बॉस जितना देख रहे हैं, बिग बॉस के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, आप कितना देख पा रहे हैं? अब्दू की काफी तारीफ की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? पंद्रह घंटा काम करके हैं. I just want to go home, take a shower, eat and sleep, you know. Yeah, and gym, of course. Aaj gym is kya meri tabiyat theek hi hai thodi si. So, ab yahan pe aake bhi ghar ja ke seedha aaj ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा. काफ़ी इमोशनल पोस्ट आपने किया था एक, क्या कहना चाहोगे? मैंने उनको काफ़ी कई बार इंटरव्यू किया एंड मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि शी विल डू दैट थिंग, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? और अगर उनको कुछ था तो अगर वो हमें भी बता देते हैं तो हम उनको पूरी तरह से सॉल्व करवा देते प्रॉब्लम. बट अब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें शायद एक डिफरेंस मैकेनिज्म था खुद को खुश रखने के लिए. मे बी आई डोंट नो, यू शुड नॉट गिव अप ऑन लाइफ, शुड हैव एटलीस्ट डिस्कस विद द फैमिली एंड और विद द फियांसे जिनके साथ होने वाला है. इफ द गाय इज गुड, यू हैव टेकन इट सपोर्टिंग एंड सपोर्ट, यू नो, इट्स जस्ट समथिंग आई एम सेइंग व्हिच कम्स टू माय माइंड. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से लाइफ इज अ गिफ्ट, फाइट इट, गेट ओवर इट. आखिर में आप अपने फैन से आप क्या कहना चाहेंगे? लवली मैसेज, दिवाली का मौका है, कुछ कह दीजिए आप. ये कहूँगी प्लीज़ नॉइज़ पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन मत कीजिए, बहुत लोगों को तकलीफ होती है इस चीज़ से. यू नो, हमारे जो जानवर होते हैं वो बेचारे बाहर होते हैं, एयर पोल्यूशन पूरे लोगों को नहीं सहन होता है. नॉइज़ पोल्यूशन, बी सेफ, बेसिकली जस्ट बी सेफ एंड एंजॉय इट. हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच.